गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर। यस, लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है कि आप किसी भी क्रिया को बार बार करते हैं तो उसमें से एक रेशियो निकल के बाहर आता है। इफ यू डू एनीथिंग ऑन एंड ऑफ द रेशियो विल अपीयर ऑटोमेटिकली। ये एक लॉ है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर 100 बंदे या 100 व्यक्ति अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ाई के लिए एंट्री करते हैं तो आप देखेंगे कि कॉलेज फिनिश करने में मुश्किल से 10 लोग बाहर निकले। कोई 10वीं से निकल जाएगा, कोई 11वीं से निकल जाएगा, कोई 12वीं में, और बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो एटीकेटी में FY SY के अंदर ही रुक जाते। बहुत कम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। ठीक उसी तरीके से जब आप अपना प्रेजेंटेशन किसी को भी देते हो तो आपको 3 किस्म के लोग मिलेंगे। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा न पॉजिटिव न नेगेटिव भी है, और चौथा एक और कैटेगरी है। वो इस टाइप की कैटेगरी है कि समझो कि उसको पता ही नहीं कि दुनिया किधर जा रही है। तो कई बार आपका लक अगर अच्छा है तो क्या होता है कि आपको कॉन्स्टेंट पॉजिटिव लोग मिलते हैं, और कई बार कोई ऐसा आदमी होता है कि जब उसने काम नया होता है, काम शुरू किया है, तो इनिशियली बेस पे उसको नेगेटिव लोगों से उसका पाला पड़ जाता है, और 10 लोगों को वो मिला और 10 के लोग नेगेटिव है, उन्होंने फीडबैक बराबर नहीं दिया, उन्होंने इस बिजनेस को बुरी नज़र से देखा या बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया, या वो उन्होंने तो नहीं किया लेकिन आपको भी ऐसी लाइनें वो बोल गए कि आपका भी हौसला टूट गया काम करने का, तो फिर वो लोग बिजनेस छोड़ देते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि लगभग 90% लोग जो पहले 3 महीने में बिजनेस को छोड़ देते हैं, और उसमें से मैक्सिमम लोग है पहली 3 ना को सहन नहीं कर पाते। एक्चुअली वो ना जो है आपकी ऑफर को ना कर रहे हैं, वो आपको पर्सनली इंसल्ट नहीं किया है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि डोंट टेक इट पर्सनली। जैसे कि आप समझिए कि आपको किसी ने पूछा सर आप कॉफ़ी पियेंगे, आपने बोला नहीं क्योंकि आप चाय पीते हो, तो जब आपने ना बोला तो मुझे उस व्यक्ति को ढूंढना है जिसको कॉफ़ी चाहिए। मुझे रोना नहीं है कि हाय रे मैं मर गया, इसने तो मुझे मना कर दिया, अब मेरा कॉफ़ी का क्या होगा, अब मैं जीवन भर कॉफ़ी नहीं बनाऊंगा, अब मैं जीवन भर कॉफ़ी नहीं पीऊंगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इट्स ओके, उसने मना किया तो मैं उस व्यक्ति को ढूंढता हूँ जिसको कॉफ़ी चाहिए। जब मैं किसी को एक अच्छी ऑफर कर रहा हूँ कि सर आप अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हो, आप ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहते हो, क्या एक बोरिंग सी जिंदगी में एक बढ़िया सा एक्साइटमेंट लाना चाहते हो, अगर उसको एक्साइटमेंट नहीं पसंद है, उसको बोरियत जिंदगी पसंद है, उसको जो चल रहा है उसी में मज़ा आ रहा है, उसको एक नयापन नहीं चाहिए, तो उसमें टेंशन लेने का बात नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसने मना किया तो हम तुरंत वहाँ जगह छोड़ दें। कई बार लोगों को हमें समझाना पड़ता है कि ये अपॉर्चुनिटी उसके लिए कितनी महत्व रखती है, ये चैलेंज अपनी तरफ से पूरा ट्राई करना है उसको समझे। अगर वो नहीं समझता है तो लास्ट में हमें समझना है कि ये नहीं समझेगा, गो अहेड। और कई लोग तुरंत नहीं समझते, वो आपको 1 महीना 2 महीना 6 महीना, ना का मतलब परमानेंट ना नहीं होता है। लॉ ऑफ एवरेज दुनिया में हर जगह होता है। जैसे कि शेयर बाजार, अब शेयर बाजार की अगर मैं बात करूं तो 100 लोग अगर दिन में शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो मुश्किल से 10 लोग पैसा कमाते जाते होंगे, बाकी 90% लोग पैसा गवा के जाते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर शेयर बाजार का अगर आप मुआयना करें तो हफ्ते में 5 दिन चलता है, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, तो पूरा अगर 365 दिन का आप गिनोगे तो 80% टाइम मार्केट। फिर भी जो लोग पैसा बनाते हैं उसी में से बनाते हैं। आप देखेंगे कि शेयर बाजार के अंदर भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो 20 साल या 30 साल तक काम करते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता है कि उनको हमेशा प्रोग्रेस मिलता है, और ऐसा भी कभी नहीं होता है कि हमेशा उनको नेगेटिविटी रहती है। तो अभी नाम बहुत अच्छा एक आ रहा है मेरे दिमाग में, राकेश झुनझुनवाला। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी, आज उनका पोर्टफोलियो मेरे ख्याल से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो
बहुत ही मतलब करोड़ों में है, लगभग शायद 20,000 करोड़ के या 40,000 करोड़ के आसपास उनका जो है पोर्टफोलियो है, उनको बिग बुल भी कहा जाता है। तो फिर भी शेयर बाजार चलता है, ज़्यादा दिन नेगेटिव रहने के बावजूद भी शेयर बाजार के अंदर आप देखेंगे तो बहुत कुछ फ्लक्चुएशन रहता है। ठीक उसी तरीके से अगर आप SIP करते हो तो SIP में भी प्लस और माइनस दोनों होता है, फिर भी अगर आप देखोगे तो SIP का जो रिजल्ट है, आउटपुट है, वो FD के सामने अच्छा ही रहता है, लेकिन उसमें टाइम देना पड़ता है आपको। ठीक उसी तरीके से जो लॉ ऑफ एवरेज है, कि लॉ ऑफ एवरेज हर व्यक्ति का अलग अलग रहता है, कि एक नया व्यक्ति जब प्रेजेंटेशन देना शुरू करता है तो उसका 10 में से कन्वर्जन रेशियो 1 होता है, फिर धीरे धीरे उसका अनुभव बढ़ता है और धीरे 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 वो 10 में से 1, 10 में से 2, 10 में से 3, एक दिन ऐसा आता है कि 10 में से 10 सेल्स वो लेके आता है, और एक दिन ऐसा आता है कि आप बिना प्रेजेंटेशन किए आपकी सिर्फ बातों से वो व्यक्ति ये कहने को मजबूर हो जाएगा कि सर मुझे नहीं पता आप कौन सी कंपनी कर रहे हो, सर मुझे नहीं पता कि आपका मार्केटिंग प्लान क्या है, लेकिन सर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, बोलिए मुझे कितने पैसों के साथ मैं बिजनेस को शुरू कर सकता हूँ, वो लेवल भी आता है। लेकिन इट टेक सम टाइम, आपका अनुभव जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका लॉ ऑफ एवरेज भी ऊपर आता रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं और शुरू शुरू में अगर इनको हाँ मिल गई तो लगता है कि अब पूरी जिंदगी इनको हाँ मिलने वाली है, या शुरू शुरू में ना मिल गया तो उनको लगता है कि पूरी दुनिया नेगेटिव है। ऐसा नहीं है, न तो दुनिया नेगेटिव है न तो दुनिया पॉजिटिव है, क्योंकि न तो नेगेटिविटी जो है वो परमानेंट है न पॉजिटिविटी परमानेंट है। समय के साथ, अनुभव के साथ उनका ये जो रवैया है, एटीट्यूड है, वो बदलता जाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ कि उनकी जो धारणाएँ हैं पीछे किसी भी सोच को लेके, जब वो धारणाओं में परिवर्तन आ जाता है तो आगे फ्रंट पे उसका एटीट्यूड में परिवर्तन आ ही जाता है। तो लॉ ऑफ एवरेज है कि आप अगर आप चाहते हो कि दुनिया में हर जगह पे लॉ ऑफ एवरेज है, हर जगह पे आप देखेंगे कि स्कूल के अंदर या घर पे खाना खाते हैं, या जैसे हमने अगर 100 ग्राम अगर मैंने खाना खाया है तो मुश्किल से उसमें 10% उस खून में तब्दील होगा, 90% जो है वो खून में तब्दील नहीं होगा। ठीक है, उस तरीके से हम हर जगह पे लॉ ऑफ एवरेज फैला हुआ है। आपको पता करना है कि आपका लॉ ऑफ एवरेज क्या है, कि अगर मैं 10 प्रेजेंटेशन करता हूँ, ठीक है, तो मैं कितने सेल्स कन्वर्ट कर सकता हूँ, और इसको बढ़ाते जाना है, और ये नॉलेज और अनुभव और मेहनत के साथ ही बढ़ सकता है, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। इसलिए न पॉजिटिव परमानेंट है न नेगेटिविटी परमानेंट है, आप डरे नहीं। आप मतलब 10 लोगों ने हाँ बोल दिया तो मैं एक कैरियर में आगे बढ़ूंगा, 10 लोगों ने मना कर दिया तो मैं नहीं करूंगा, ऐसे बिजनेस नहीं होता है। अमिताभ बच्चन को सबसे पहले ना बोल के निकाल दिया था, बोला था तेरी हाइट बहुत है, तेरी आवाज़ बहुत मोटी है, लता मंगेशकर को बोला तेरी आवाज़ पतली है, ये बोल के उसको निकाल दिया था। ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे हजारों लोग हैं। आप नवाजुद्दीन सिद्धू की जी को देख लीजिए कि न तो उनके पास हाइट है, न उनके पास सिक्स पैक बॉडी है, न उनके पास पैसा है, लेकिन वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह रह के भी उन्होंने जो नामना कमाई है। दोस्तों आप खुद पे भरोसा करें, आप ये सोच के बिजनेस ना करें कि कोई आएगा तो मैं बहुत बड़ा बिजनेस कर दूंगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग सोचते हैं कि मैं किसी महान सचिन तेंदुलकर को मैं अपने ग्रुप में ले आऊँगा, वो धुआंधार बैटिंग करेगा और मैं माला माल हो जाऊँगा। अगर आपकी सोच ऐसी है ना, तो मैं आपको आज ही लिख के देता हूँ कि आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं होंगे। आपको 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 सचिन बनना है, उल्टा सोचना है कि मैं किसी की जिंदगी बनाऊँगा, मैं किसी को मदद करूँगा। अगर आप ये सोच के साथ बाजार में उतरे हो कि आपको कोई अच्छे लोग लीडर मिल जाएंगे और वो अच्छा काम करेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। जितना आप अपने भविष्य के लिए, अपने सपनों के लिए अगर आप सीरियस नहीं हो, आप मेहनत नहीं करना चाहते हो, तो ऐसा कौन सा परमात्मा पैदा हो जाएगा कि जो आपके भविष्य को और बेटर पे ऊंचाई लेके जाएगा। इसलिए आप ही जो है सर्वसम्मति और सर्वेश्वरा आप ही हो, एक इंच भी नहीं हिलेगा, एक इंच भी अगर आप जितना करोगे उतना ही होगा। अब आपको कितना करना है वो आप देखिए।
थैंक यू। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर कमेंट करें, इसको रेकमेंड करें, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।